Hello friends, welcome to our YouTube channel Basic Electrical. Today we have learned what is series test lamp and its uses. Some of the comments or messages uh, come from Instagram. That is, please uh, make a video on the electrician. So this is the very important for the electrician because uh, everywhere we have checked there is a fault condition, is that so we have to check through this series test lamp multimeter is the another factor is that we have to use multimeter is that for this but uh, in this case we have to many of most of them uses uh, series test lamp so first what is series test lamp so a series test lamp uh, is a test in, in which there is the electrician would test or find a short circuit somewhere in a residential building so there are two types of series test lamps first is the single phase test and the third second is the three phase test so in the single phase test we have to discuss there is the single phase so there is the phase is there and another is the न्यूट्रल सो टू वायर इज़ देअर दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ दिस द फेज वायर एंड अदर दिस वन सो यू हैव टू सॉर्ट दिस पॉइंट एंड वी हैव टू अनादर एक पॉइंट इज फेस एंड अदर इज़ न्यूट्रल सो सिंगल फेस टेस्ट में हम क्या करते हैं एक बल्ब लेते हैं जिसमें दो वायर हैं एक वायर फेज हो गया और एक वायर को हम लोग एक और वायर लेते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं जिससे बल्ब क्लो हो जाता है अगर हम थ्री फेज टेस्ट की बात करें और इसमें हम लोग बोलते हैं टू फेज टेस्ट टू फेज टेस्ट सो इन दिस केस टू बल्ब इज देयर वन बल्ब अनदर टू बल्ब सो वन पॉइंट ऑफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू दिस बल्ब एंड वन पॉइंट इज फेज एंड अनदर वन पॉइंट इज शॉर्ट सर्किटेड सो दिस इज द सिंगल फेज एंड दिस वन इज द टू थ्री फेज और टू फेज टेस्ट सो दिस इज कंप्लीट कंप्लीटेड द सिंगल फेज एंड थ्री फेज सर्किट सो अनदर पॉइंट इज दैट इन दीरीज टेस्ट क्लैम्प देयर इज द फैक्टर दैट देर फिक्स सीरीज टेस्ट क्लैम्प अनदर इज द अनफिक्स टेस्ट क्लैम्प सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनफिक्स मतलब अस्थाई टेस्ट हम करते हैं यह एग्जाम्पल है आपका अस्थाई का अगर हम फिक्स्ड टिस्ट टेस्ट की हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं एक बोर्ड लेते हैं जिसमें आपका क्या होता है सॉकेट होता है उसी में आपका स्विच होता है और उसी में आपका बल्ब वगैरह कनेक्टेड रहते हैं और आप उसको सप्लाई दे देते हैं तो ये होता है कि फिक्स टेस्ट में आपका बोर्ड पूरा फिक्स किया जाता है ठीक है नेक्स्ट हम पॉइंट जानेंगे इसके यूजेस के बारे में तो यूजेस क्या करते हैं सीरीज टेस्ट लैम्प का इट इज़ दीर इन दीरीज टेस्ट लैम्प वोल्टेज टेस्टर इज ए पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट सो इट इज इट इज यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए पीस ऑफ इक्विपमेंट अंडर टेस्ट सो इन दिस केस वी हैव टू यूज हम लोग तीन, तीन चीज़ें यूज करते हैं इसके लिए पहला क्या करते हैं कि टेस्टिंग ऑफ न्यूट्रल वायर जो न्यूट्रल वायर होता है उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सीरीज लैम्प का यूज़ करते हैं ठीक है तो हमारे पास देखिए कैसे हम चेक करेंगे हमारे पास एक बल्ब है जिसमें दो वायर है एक वायर को हमने फेस पे रखा है और इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं इसे शॉर्ट कर देते हैं जैसे आपके पास ये चार वायर है ठीक है ये चार वायर आपको दिए गए हैं कौन कौन से ये 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 अब आपको हमें चेक करना है कि कौन सा जो है इस इसमें हमें करना ये है कि एक को फेज़ दे देंगे एक को हमने ये फेज दे दिया और न्यूट्रल वायर को बाकी चार से कनेक्ट कर करके कर देखेंगे अगर जिस समय बल्ब ग्लो कर गया तो वो हमारा न्यूट्रल वायर तो हम क्या करेंगे इसे इससे कनेक्ट करेंगे इसको इससे कनेक्ट करेंगे इससे कनेक्ट करेंगे इसे कनेक्ट करेंगे जिसमें बल्ब ग्लो कर जाएगा तो हमें पता चल जाएगा हमारा वायर सही है अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो मतलब ये न्यूट्रल वायर नहीं है ठीक है सेकेंड हम क्या करते हैं मोटर वाइंडिंग टेस्ट इसमें क्या करते हैं मोटर वाइंडिंग टेस्ट में हमें करना यह है कि इफ सर्किट इज़ कम्प्लीटेड अगर हो गया तो बल्ब ग्लो करेगा अगर ये कम्प्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्यों ग्लो नहीं करेगा क्योंकि अगर वाइंडिंग टूटा हुआ है अगर ये वाइंडिंग कहीं से ये वाइंडिंग जो है अगर बीच में कहीं टूटा हुआ है तो फेस अप्लाई न्यूट्रल के पास होने नहीं देगा तो इसलिए ये ग्लो नहीं करेगा तो हमें चेक करने के लिए करना ये है कि हमें इस फेस को इससे कनेक्ट कर देना है और इसे हमें इससे कनेक्ट कर देना ठीक है तो इससे हम ये मोटर वाइंडिंग टेस्ट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड हम क्या करते हैं अर्थिंग चेक भी करते हैं ठीक है तो इन इक्विपमेंट होता है जो हम अर्थिंग चेक कर सकते हैं इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई यू हैव टू यूज़ द सीरीड टेस्ट लैम्प तो मैं आपको एक सिंपल से बताता हूँ जो आपको इंटरव्यू में बोलना है सिंपल आंसर ये होगा इट इज़ यूज टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन द टू पॉइंट्स क्यों यूज़ करते हैं दो पॉइंट के बीच के कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए सपोज एक पॉइंट आपका यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है इसके बीच का कनेक्टिविटी आपको चेक करना है कि कहीं बीच में कहीं फॉल्ट तो नहीं है तो इसका कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सीरीज टेस्ट लैम्प का यूज़ करते हैं ठीक है सो थैंक यू वेरी मच अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को बेसिक इलेक्ट्रिकल थैंक यू वेरी मच